अब सिंगापुर में आए हुए मेरे को 2 दिन तो हो चुके हैं, पर 2 दिन से आसमान में एक भी पंछी या जमीन पे एक भी जानवर नहीं देखा। क्योंकि इंडिया में तो हमें हर शहर में काफी सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं, है ना। कभी कभी तो लगता है हम इनके साथ ही पले बड़े हैं, चाहे वो पंछियों की मीठी आवाज हो या कुत्तों की भागा दौड़ी हो या फिर वानर सेना हो। तो आखिर यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स है कहाँ, क्योंकि पशु पक्षियों का भी उतना ही महत्व है इस दुनिया में जितना कि हमारा। क्योंकि नेचर में टाइम स्पेंड करना बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ किसको नहीं पसंद, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ आजू बाजू पूरी दुनिया से आए हुए बर्ड्स आपके साथ खेल रहे हैं, आपको मस्त एंटरटेन कर रहे हैं, ओह माय गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। और इनके साथ साथ कुछ मस्त करतब दिखाते हुए प्यारे जानवर, आहा ए वाओ, जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, वो भी एकदम खुली जगह पे। और आज इनमें से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स उतने ही खतरे में हैं, पर साथ ही साथ एनिमल्स और बर्ड्स की नाइट लाइफ कैसी रहती है, रात को क्या करते हैं ये लोग, क्या अगर मैं बोलूँ इन सब के बीच हमें एक दिन रहने को मिले ताकि हम भी इनको महसूस कर पाए, इनके साथ रह पाए एशिया के सबसे बड़े बर्ड पार्क में, सिंगापुर जू में, और एशिया का सबसे पहला नाइट सफारी में। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ हम चलते हैं आज की पहली डेस्टिनेशन पे, जो है द बर्ड पैराडाइज। अब इतना बड़ा बर्ड पार्क चल के कवर करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तभी हम ये ट्रैम्स दिख गई जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। हाँ आंटी, फ़ोन सही कर लो, अंकल को सब अच्छे फोटोज जाने चाहिए। अब इस बर्ड पार्क में 2 सबसे खास चीज़ है, उसमें से पहली खास चीज़ हम अभी देख रहे हैं, जो है विंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है, पर सुना है कि ये सबसे खास चीज़ है यहाँ की। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, ये वाओ, क्या मस्त कलरफुल है। ये वाओ, हेलो, अरे ये तो बोलता पोपट है। ओह माय गॉड, सही में यार क्या बात है। ये है मिस्टर टूखन, अरे भाई चोंच तो देखो इसकी, इसकी फ्लाइंग स्किल्स देखते हैं। ओह नाइस, ये पकड़ लिया। ओह माय गॉड, हाय, कितनी बड़ी चोच है, बाय। ओ माय गॉड, कितना बड़ा है, इसकी चोच देखो, अरे भाई साहब, माय गॉड, ये कौन है? ओ पेलिकन, इतने सारे पेलिकन्स, ओ माय गॉड, वाओ, ए, ओ माय गॉड, अमेजिंग, क्या बात है, कितना मस्त लग रहा है, बेस्ट। इसी के साथ ये शो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चलो अब थोड़ा घूम के देखते हैं क्या है ये पीछे, देखो क्या मस्त वाटरफॉल है, अमेरिकन फ्लेमिंगो, क्या मस्त है यार, आहा, अरे तुम, ए हेलो, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें, चलो चलो हो गया, पूरी गीली हो गई हो तुम। वाओ, अब ये फोटोज के लिए बेस्ट जगह है, हाँ ये पूरा बर्ड पार्क है। अब दूसरी खास चीज़ देखने से पहले, लाइफ में पहली बार इन पेंगुइन्स को देख रहा हूँ, ए हाय। अरे अरे अरे, कितना क्यूट है,
ओ पीछे हाथ रख के कैसे मस्त चल रहे। अब दूसरी खास चीज का टाइम आ गया है। ये शो है प्रेडेटर्स ऑन विंग्स। ये भी बर्ड्स ही है, बट प्रेडेटर्स उनको बोलते हैं जो दूसरे छोटे एनिमल्स को ढूंढते हैं अपने शिकार के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। ओ माय गॉड, ईगल, ओ भाई कितना खतरनाक है। ये अपने पैर से चीजों को पकड़ लेता है, ये देखो। क्या बात है, ये कौन आया? ओ आउल आया। इसकी आंखें तो देखो यार, ए वाओ। ये राजा कौन है? ओ सदर्न क्रेस्टेड कैरकारा। ये मेक्सिको कंट्री का नेशनल बर्ड है। ये नीचे क्या ढूंढ रहा है अब? ओ भाई साहब, ये देखो, ये कौन है? व्हाइट बैक वल्चर। ओ अरे थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ आज ही खा लोगे क्या? कौन आया? ओ भाई, अरे ये तो कूदते आ रहा है। ओ माय गॉड, ये वल्चर्स क्या खाते हैं? यहाँ से कौन आ रहा है? ओ भाई साहब, अरे माय गॉड, सीधा पानी के पास चला गया। ये तो भगवान ने क्या मस्त क्रिएटिव लिविंग क्रिएचर्स बनाए हैं। वाओ, चलो इसी के साथ हमारा ये शो भी मस्त खत्म होता है। मज़ा आ रहा है ना? पर अब ये लोग से तो मिलना बाकी है मेरे दोस्त। चलो तो इन्हीं को ढूंढने चलते हैं सिंगापुर जू में, जहाँ पे हम कुछ ऐसे जानवरों को भी मिलेंगे। नहीं, जो छोटा है ना उसकी बात कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, अंदर आते ही ये दिख गया, क्या मस्त। अरे यहाँ देखो, पलट। क्या बात है, अरे एक से पहले तो दूसरा भी आ गया। ओहो हो, आ जाओ। आहा, क्या मस्त जा रहा है। बाय, 1 2 3 कूदो। हाय, टक 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 टक, पेलिकांस, कितनी बड़ी चोच है इनकी। हेलो, अरे इसने जैकेट पहना है क्या? मस्त कॉटन जैसा है इसका बॉडी। ए वाओ, देखो वो है औरंगुटान। अब ये बहुत ही हैवी होते हैं और ये पूरा टाइम अपना पेड़ पर ही बिताते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनके पाँव से वो उल्टा लटकते हैं कुछ ऐसे। हेलो ब्रदर, अरे नहीं तुम आगे चलो। क्या बात है, हेलो, क्या खा रही हो? माय गॉड, इसके हाथ पैर तो कितने मोटे हैं। अरे कुछ तो बोलो, इतने दूर से आया हूँ तुम्हें मिलने, एक बार तो यहाँ देखो। अरे ओ हेलो, तुम्हें सोते हुए देखने नहीं आया मैं। आए, उठ गए तुम फाइनली। ओ माय गॉड, कितना बड़ा टॉर्टोइज है। ओ भाई, ये भी सो गया। अच्छा तुम जाग रहे हो, हाय। ऐसे देख के डराओ मत। ए वाह, अब यहाँ पे होने वाला है काफी मजेदार शो। ओ वाह, ओ माय गॉड, दिस इज सी लायन। इसका नाम है बुम्बा। अमेजिंग, क्या बात है।
ये वाओ। ए वाओ, तालियां बजा रही है तो क्या बात है। बस इतना अच्छा वेलकम करने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया बुम्बा। आए कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं यार, मछलियां खिला खिला कर कुछ ऐसे स्विम करती है ये, एकदम स्मूथ। अरे 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 अरे, क्या स्पीड बढ़ाई है। क्या कूदी है, ओह माय गॉड बुम्बा, तुमने सही में मजा करा दिया। अब बारी है इनकी नाइट लाइफ देखने की, क्या करते हैं ये लोग। हेलो, अब मैं आया इसलिए बाहर निकल के आए क्या। फ्लेमिंगो, सब लोग पूरा दिन कुछ ना कुछ नीचे ढूंढ रहे होते हैं। हेलो, यहाँ पे देखो। बाय बाय। हाइला, ये तो हाइना है, ये भी कुछ ढूंढ रहा है। लायन, मस्त अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सोच रहे होंगे कितनी मस्त बातें चल रही थी हमारे बीच और ये लोग आ गए डिस्टर्ब करने। ए वाओ स्लॉथ बेयर, अरे नीचे कहाँ जा रहे हो। ओ माय गॉड, कितना बड़ा है। राइनो, ओ भाई साहब, अरे पीछे का नहीं देखना, आगे घूमो। हिप्पो, ओ भाई साहब कितना खाओगे, ये तुम्हारा नाश्ते का टाइम है या डिनर का। अरे अरे हाथी जी कैसे हो भाई, इसके टस्क तो देखो कितने बड़े हैं। ओ माय गॉड, ये पूरे सिंगापुर वाइल्ड लाइफ पार्क का सबसे हेवीएस्ट और लार्जेस्ट एनिमल है, कितना क्यूट है, मस्त एंजॉय कर रहा है। बाय बाय। और इसी के साथ हमारा सिंगापुर वाइल्ड लाइफ पार्क का एक्सपीरियंस भी खत्म होता है, पर इस शहर में तो आगे और भी मज़ेदार चीज़ें होने वाली है, जैसे कि शश।